हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज का ये वीडियो ना क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मेन उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। एंड आपका जो टॉपिक है ना, वो इस वीडियो में बहुत सारे सॉल्व होने वाले हैं। 8 टॉपिक इन वन वीडियो, जैसे आपका गद्यांश, पदांश, प्रत्यय, पर्यायवाची, उपसर्ग, ऐसे 8 टॉपिक इन वन वीडियो में। ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, आपको 95% अचीव करने के लिए। टारगेट हमारा 90+ एबव है, यानी कि 90% से ज्यादा। एंड क्लास टेन हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एंड 8 टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी हमारे चैनल से पढ़कर बेस्ट तैयारी कर सके। इससे अच्छा कोई तैयारी नहीं कराएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट नंबर है, आपको सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग है वो मैं आपको अभी कवर करा देता हूं सब कुछ। ठीक है, तो पहला है अन। अन का मतलब होता है अन, आपको आगे जोड़ना है। उप मतलब होता है आगे, आगे आपको जोड़ना है, जैसे अन आपको जोड़ना है। और कोई अच्छा शब्द बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको बेकार शब्द बनाना है, जैसे अन। अन से आपका अनाचार एंड अनर्थ। ठीक है, ये आगे मैंने देखो अन जोड़ा है, ये अन। ठीक है, और इसका बना दिया अनर्थ, और इसका मैंने अन जोड़ के अनाचार, यानी कि मैंने कई अच्छा चीज बनाया। एंड अनाचार एंड अनर्थ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूं, इन सबको नोट कर लो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। दूसरा है सु। सु एंड सु का होगा उपसर्ग सुमार्ग एंड सुगम। देखो सु से मैंने बनाया, जैसे सु आगे लगा दिया तो सुगम। ठीक है, सुंदर भी बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां सु, सु का होगा सुमार्ग एंड सुगम। तीसरा है उप। उप का होगा उपकार एंड उपयोग। ठीक है, उपकार एंड उपयोग, उपमन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके मन में आए। लेकिन हाँ, जिसका आपने नाम सुना हो, अच्छा लग रहा हो, उन्हीं को लिखना। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया उप का क्या होगा, उपकार एंड उपयोग। तीसरा एंड चौथा है परी। परी का अर्थ होता है परिवार एंड परिचय। परी, परी का होगा परिवार एंड परिचय। तो ये आपको दो दो याद करना है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का आता है। ठीक है, एंड 5 नंबर है सह। सह का होगा सहपाठी एंड सहयोग। सहपाठी एंड सहयोग, ठीक है। तो यहां से अगर आप इन 5 को तैयार कर लेते हो, 5 को अगर आप तैयार कर लोगे, तो आपका 3 नहीं तो 2 नंबर आ ही जाएगा। और 3 का 3 भी इसी में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लो, इन्हीं में से पूछे गए हैं। मैंने सब कुछ पेपर उठाकर, मॉडल पेपर एंड इंग्लिश की कॉपी एंड नोट्स एंड बुक, सब कुछ उठाकर जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, उसी को मैंने नोट किया है। क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, और आपको भविष्य को हमें संवारना है, बिगाड़ना नहीं, संवारना है। और आप 95% लाओगे हमारे चैनल से तैयारी कर। मैं कम बताऊंगा, लेकिन अच्छे से बताऊंगा कि हाँ वो बोर्ड एग्जाम में टच कर जाए, क्योंकि मैं आपको विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ, गारंटी के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रत्यय। प्रत्यय दूसरा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, बट ये आपके 2 नंबर में पूछा जाता है आपका। ये देखो बगल ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर। ठीक है, तो पहला है आई, इसको आपको पीछे जोड़ना है। पीछे मतलब उसको आगे जोड़ना था, उपसर्ग को आपको आगे जोड़ना रहता है, और जो प्रत्यय होता है उसको पीछे जोड़ना रहता है। अब इसको आपको पीछे जोड़ना है, जैसे पहला है आई। आई का होगा चतुराई एंड चौड़ाई। ठीक है, चतुराई एंड चौड़ाई, ठीक है, समझ में आया ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको आई का बिल्कुल समझ में आ गया, नोट कर लो, जो नोट नहीं कर रहे हैं जल्दी से नोट कर लो। एंड दूसरा नंबर है पन। पन, ठीक है, अब आपको पन को पीछे जोड़ना है, ये याद रखना, पीछे आपको जोड़ना है। अगर आप पन को पीछे जोड़ोगे तो आप क्या चीजें बना सकते हो, जैसे आपको बनाना है अपने माइंड से, आप अपना माइंड लगाकर बनाओ, जैसे पन तो बचपन, पागलपन, बड़ापन। ठीक है, तो ऐसे आप पन लगा के पीछे कई सारी चीजें बना सकते हो, कई सारे नए चीज बना सकते हो, क्योंकि आप इतना माइंडेड हो। ठीक है, इतना तो मैं जानता हूं कि आप लोग सोच सकते हो। तो यहां आपको ये चीज समझ में आ गया कि आपको पन, ये भाई इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कौन सा पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, एंड तीसरा नंबर है आवट। आवट को आप यहां वट भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में वट भी है एंड आवट भी है, वा आउटा।
ठीक है, जैसे पीछे वट भी जुड़ा है एंड आवट भी जुड़ा है, तो सजावट लिखावट, अगर वट पूछा जाए तो भी यही लिख देना, सजावट लिखावट पढ़ावट, एंड अगर आवट पूछा जाए तो भी यही लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। जैसे त्वा, त्वा का होगा बंधुत्व एंड महत्व, त्वा आपको पीछे जोड़ना है, त्वा अगर आप पीछे जोड़ोगे तो आपका वो प्रत्यय होगा, यहां से प्रत्यय और उपसर्ग मिलाकर आपके 5 नंबर क्लियर हो गए कि नहीं, क्लियर हो गए, तो यहां से आप प्रत्यय और उपसर्ग को नोट कर लो, दो दो बार आप रिवीजन कर लो, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मैंने 4 बताया और 4 में से ही पूछे जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो यार, आप लोग लिख लो खाली जो मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लो, बाद में आपका माइंड ग्रो हो जाएगा हमसे पढ़ते पढ़ते, और आप ऐसे हजारों को बता दोगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका माइंड ग्रो हो जाएगा और आप काफी अच्छे स्टडी कर लोगे। तो यहां से आप पहले उपसर्ग नोट कर लो, जितना 5 मैंने बताया है, अन, सु, उप, परी और सा, ये 4 का नोट कर लो, 5 का, एंड फिर मैंने प्रत्यय बताया जो 2 मार्क का पूछा जाता है, और 4 मैंने बताया आई, पन एंड आवट एंड त्वा, तो इनको नोट कर लो, कुल मिला के 9, ठीक है, तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है तीसरा नंबर टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा पर्यायवाची शब्द, यानी कि पर्यायवाची भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है, लेकिन हम लोग पर्यायवाची शब्द काफी अच्छे अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे हिट करेंगे, क्योंकि 2 केवल करना है और 2 करना है तो वो 2 आपका पूछा जाएगा, आप विश्वास रखिए, ठीक है, विश्वास पे दुनिया टिकी है। पहला है कमल, कमल का होगा सत, दल एंड नीरज, ठीक है, कमल का क्या होगा, सतदल एंड नीरज। दूसरा है जल, जल का होगा पानी एंड जीवन, देखो पानी, जल का होगा पानी और जीवन, अगर पानी का पूछ ले तो जल और जीवन कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीरज पूछ ले तो कमल और सतदल कह सकते हो। एंड तीसरा है बादल, बादल का होगा मेघ एंड जलद, ठीक है, मेघ एवं जलद, तो यहां बादल का पर्यायवाची क्या होगा, मेघ एवं जलद, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी भी दिक्कत हो तो आप बताना मुझे, मैं सब कुछ आपका क्लियर करा दूंगा। चौथा है सूरज, सूरज का होगा सूर्य एंड भास्कर, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द है, जैसे एक व्यक्ति का दूसरा नाम होता है उसी प्रकार से इन सबके कई सारे नाम हैं, तो मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पूछा जाएगा और 2 का 2 लिखना है, जैसे कमल का आप सतदल और नीरज लिख दो, जल का पानी और जीवन लिख दो, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा यहां से, ओके, तो सूरज का क्या होगा, सूर्य एवं भास्कर। एंड 5 नंबर है पुष्प, पुष्प का होगा कुसुम एंड फूल, 2 तो आप जानते हो, पुष्प को फूल भी कहा जा सकता है, और आप एक बात और याद कर लेना, कुसुम भी कहा जा सकता है। तो यहां से आपको 5 पर्यायवाची शब्द तैयार करने हैं, नंबर फर्स्ट कमल का, नंबर सेकंड जल का, नंबर थर्ड बादल का, नंबर 4 सूरज का, नंबर 5 पुष्प का, और अगर आप इन 5 को तैयार कर लोगे तो पर्यायवाची शब्द आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है, आप मन कहे छोड़ो, मन कहे पकड़ो, तो यहां से आपके पर्यायवाची शब्द हो गए कंप्लीट। फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक है तत्सम, तत्सम शब्द, यानी कि आपके तद्भव दिए रहेंगे उसको तत्सम में लिखना है, अब तद्भव जो होता है उसको तत्सम में लिखना है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन आपका तद्भव में दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में पेपर में, और आपको उसे तत्सम में लिखना पड़ेगा, तत्सम आपका शुद्ध शब्द है एंड आपका तद्भव भी थोड़ा अटपटा शब्द है, ठीक है। अब देखो भाई, तत्सम तद्भव को तत्सम में लिखना है, जैसे पहला कपूर, कपूर का जो तत्सम होता है शुद्ध रूप वो है कर्पूर, ठीक है, आपको ऊपर चुटकी वाला लगाना है, यानी कि आपको आधारा लगाना है, फिर आपका वो हो जाएगा। दूसरा नंबर है दही, दही को आपको दधी कहना है, दधी, ठीक है, दधी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो दधी आपको कहना है, दही, दही का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, दधी होगा, ठीक है। एंड तीसरा नंबर है मौत, मौत का होगा, मौत का क्या होगा, मृत्यु, क्या होगा, मृत्यु। एंड 5 नंबर है सांप, सांप का होगा सर्प, क्या होगा, सर्प, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहां से आपके ये चौथा टॉपिक है, अभी 4 टॉपिक और हैं, तो ये चौथा टॉपिक आपको 2 नंबर दिलाएगा, कितना नंबर, 2 नंबर, बट वैसे नहीं दिलाएगा, आप इसे नोट करो,
जो हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स है उसे याद करो, रटो। जितनी बार आपको ये याद ना हो जाए, कोई पूछे कि आपका दही का तद्भव क्या, तत्सम क्या होगा, तो आप तुरंत बता दो दधी। सांप का क्या होगा? सर्प। मौत का होगा मृत्यु। तो ऐसे अगर आप बताओगे फटाफट जान जाएगा हाँ लड़की में दम है भाई, इससे टक्कर मत लो वरना फिर नीचे हो जाओगे। तो ऐसे में आप ऐसा बनो ना, सीनियर बनो, जूनियर में कोई फायदा नहीं है। आजकल दुनिया कंपटीशन में है, और अगर आप कंपटीशन में रहोगे तभी आपको दुनिया देखेगी, वरना फिर आप पीछे हो तो पीछे रहो, कोई आपको कहेगा कि आगे आओ, क्योंकि सभी लोग आजकल एक दूसरे के दुश्मन हैं। केवल आपके माता पिता सोचेंगे कि हमारा लड़का आगे जाए, हमसे भी आगे जाए, दुनिया कोई नहीं सोचता कि ये बंदा हमसे भी आगे जाए, लेकिन आपके माता पिता हमेशा सोचते हैं कि हमारा लड़का हमसे भी आगे जाए। ठीक है, तो ऐसे में आप इतना मेहनत कर दो ना कि आपसे आगे कोई क्लास में ना रहे। मैं आपको बोर्ड, ज्यादा बड़ी बोर्ड की नहीं बात कर रहा हूं, आपसे आगे क्लास में कोई ना रहे। ठीक है, तो यहां आपका हो गया तत्सम एंड तद्भव। अगला हम लोग देखेंगे पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक जो है आपका वो है श्लोक। क्या है? श्लोक। और एक अच्छा सा श्लोक मैंने लिखा है, और आपको अच्छा लगे तो बताना। ठीक है, देखो श्लोक में आपको कैसे लिखना है, जैसे बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। ठीक है, एंड उभयत्र समूह वीर वीर वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है, ये एक श्लोक है, एंड एक श्लोक ये आपका है, और मैं आपको एक श्लोक और बताऊंगा। अगर कहीं यही श्लोक आ जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कि इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो तो क्या करोगे, तो ऐसे में आपको मैं दो श्लोक बता देता हूं। पहला तो ये है कि बंधनम मरणम अपि जयो अपि पराजय एंड उभयत्र समूह वीरा वीर भावे ही वीरता। ठीक है, तो ये आपका पहला श्लोक है, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है यही पूछ लिया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखकर लिखा है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि एक और श्लोक आप लोगों को लिख कर अच्छे से बता दूं, ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप लोग श्लोक अभी याद कर लो, क्योंकि श्लोक काफी इजी है। ठीक है, एंड श्लोक को याद कर लोगे तो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। तो चलो फिर हम लोग एक श्लोक देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला आपको मैं इस दूसरे कॉपी में लिखाऊंगा। देखो एक तो ये है जो अभी मैंने बताया है, और दूसरा श्लोक समझ लो। देखो मैं यहां लिख देता हूं, डबल कॉमा लगाओ, सब कुछ याद रखना वरना श्लोक है कट जाएगा नंबर। सर्वे, बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला याद होगा, लेकिन इसे याद कर लेना। वैसे इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लें। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः एंड सर्वे भद्राणि। मैं सबको अच्छे से बता देता हूं, आपके साथ लिखकर ये बता दूं, ताकि आप लोगों को हमेशा रटा रहे। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओके, एंड समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कोई दिक्कत हो यार कमेंट करना। मां कसिचद एंड दुख, अभी मैं पढ़ूंगा आपके साथ, दुख भाग भवेत। मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा भाई, ये तो मेरी आदत है, बहुत कम मैंने पढ़ा है। क्लास 10th 12th में थोड़ा सा जो संस्कृत होता है उसी को पढ़ा है। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्टिंग नहीं है थोड़ा सा भी। तो देखो भाई ये क्या है, ये लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मह कसी सद दुख भाग भवेत। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना, ये दूसरा श्लोक है, और दो श्लोक याद रखोगे तो जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं होगा। और अगर आपसे कोई कहे श्लोक सुनाओ तो आप इन्हीं दो में से किसी एक को सुना देना, अगर कहेगा और सुनाओ तो दो से ज्यादा कोई जिंदगी में कुछ नहीं बचता। दो बहुत इंपॉर्टेंट होते, दो चीजें आप किसी भी चीज को याद करो, दो माता पिता, दो भाई बहन, दो। तो ऐसे श्लोक एक नहीं, दो। ठीक है, तो अगला देखो, ये आपको श्लोक भी आपको तीन नंबर दिलाएगा, इसलिए याद रखना आधा परसेंट यही है हिंदी में। अब आगे देखो,
आगे देखो भाई, आगे है संस्कृत अनुवाद जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है। इसका आपको पूरा विवरण आगे दिया जाएगा, यहां मैं आपको केवल जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहला, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब वे का जैसे आप इंग्लिश में होता तो दे लिख देते भाई तुरंत, लेकिन यहां क्या होगा ना, यहां लिखना पड़ेगा संस्कृत में ते पुस्तकम पठंती, भैया पंडित वाला काम हो गया, ते पुस्तकम पठंती। दूसरा देखो, दूसरा नंबर, दूसरा है अब स्वर्ण कहाँ है, यानी कि अब स्वर्ण कहाँ है, अब इसको आपको संस्कृत में बदलना है, अधुना स्वर्ण कुत्र अस्ति, याद रखना अब को कहा जाता है अधुना, वे को कहा जाता है ते, ठीक है, और अस्त को कहा जाता है कुत्र, मतलब कहाँ, ये चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट है, कुत्र मतलब होता है कहाँ, अस्त मतलब है अधुना, इसमें टेंस नहीं मिलाना कि इसमें वाज लगेगा, बियर लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, काफी आसान होता है। मैं भौतिक सुख नहीं चाहता, तो यहां मैं का अहम होगा, ये याद रखना, मैं का क्या होगा अहम, मैं अहम भौतिकम सुखम, यहाँ वच्छामी मतलब चाहना, उसमें तो सुड मैं माइट ये सब लगता है, लेकिन इसमें क्या लगेगा वच्छामी। ओके, समझ में आ रहा है ना हर एक चीज। अगला देखो, चौथा नंबर, आज वर्षा नहीं होगी, अधवर्षा ना भवे भविष्यति, यानी कि भविष्यत मतलब भविष्य में बताया गया है, आज वर्षा नहीं होगी अनुमान लगाया गया है, तो यहां से आपका ये भी क्लियर हो गया। पांचवा नंबर है, हम दोनों विद्यालय गए, आवम विद्यालयम आगच्छाओ, ठीक है, तो यहाँ से भाई संस्कृत का मैंने कुछ अच्छा ही बताया है, संस्कृत में अनुवाद करना है 2 नंबर मिलेगा। फर्स्ट आपको मैंने 5 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 5 मैंने बता दिया है, ऐसे आप एक्सरसाइज करो और ज़्यादा, क्योंकि ये भाई उतना मतलब अच्छे हैं, बट इसमें से एक आ सकता है, एक हो सकता है अलग से, क्योंकि ये जो है ना इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो मैंने 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही बताया है, बट और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, किसका, संस्कृत अनुवाद का। वैसे अगर आप कहोगे तो मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत अनुवाद का वीडियो ले आऊंगा ओनली 2 दिन में, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो, वरना फिर अगला सब्जेक्ट आएगा। तो यहां से संस्कृत अनुवाद आप लोग नोट कर लो, मैंने 5 बताए हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं, अब स्वर्ण कहाँ है, मैं भौतिक सुख नहीं चाहता, आज वर्षा नहीं होगी, एंड हम दोनों विद्यालय गए। अब इन 5ों को नोट कर लो और आप अपने वीडियो को देखे फिर उसको नोट कर लो सब कुछ, फिर अपना बैठ कर रख लो और उसको बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बनना है तो फिर देखो, वरना फिर आपका बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, यह है 7 नंबर टॉपिक, और मैंने कहा था अगर श्लोक वो वाला आ जाए जो आपको याद है, अभी अगर आप याद कर लो एक श्लोक तो यही आ जाए कि इसका आपको वो लिखना है संस्कृत अनुवाद, अनुवाद तो आप कैसे लिखोगे, इसीलिए मैंने कहा है 2 श्लोक याद रखो, 2, क्योंकि अगर ये आ जाए तो उसको लिख दो, वो आ जाए तो इसको लिख दो, ठीक है, ये याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने बताई है। तो पहले आप एक चीज पढ़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् सम्भवेत्। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है एंड व्याख्या लिखना है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या चलो करते हैं। ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक नहीं होते हैं, किस पाठ से लिया गया ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ आप संदर्भ लेख से डालो यार, हेडिंग संदर्भ, ओके संदर्भ आप डालना एंड थोड़ा स्केच से अंडरलाइन कर देना, स्केच ले लेना, स्केच लेना बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ बताऊंगा, आगे चलते रहिए, आगे मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या लें। देखो प्रस्तुत, क्योंकि पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो डर लगेगा, तो डर लगेगा तो हमें याद कर लेना, ठीक है, मैं आपको गोली दे दूंगा, आप बोल जाना डर, ठीक है। प्रस्तुत उपयोगी बातें, ये सारी बहुत उपयोगी बात है, ये अभी आपको हिंदी अर्थ समझाऊंगा ना तो जिंदगी भर याद रहेगा, अगर आप एक मेहनती छात्र हो, मेधावी छात्र हो। उपयोगी बातें, प्रस्तुत उपयोगी बातें हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी है ना, संस्कृत तो है नहीं, क्योंकि हिंदी का यह संस्कृत है, तो यहां आप लिख दो हिंदी, क्या लिखोगे, हिंदी, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड, ये भी आप ब्लैक से लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं, सॉरी यार ब्लैक से, संस्कृत खंड, कौन सा खंड है, संस्कृत खंड, ठीक है, पाठ से उद्गृत है, इसके कोई लेख,
कौन सा खंड है ये? संस्कृत खंड, ठीक है। इसके कोई लेखक वोखक होते नहीं है, ठीक है। एंड संस्कृत खंड के अभी इसका लेसन का नाम लिख दो, मतलब पाठ का नाम लिख दो बस। भारतीय संस्कृति, संस्कृति इनवर्टेड कॉमा लगा दो, कॉमा, ठीक है, कॉमा आप लगा देना, ब्लैंक्स लगना। पाठ से उद्गृत है, पाठ से उद्गृत है, ओके। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया ना, ये आपको कैसा लिखना है, ये आपका होता है स्टूडेंट संदर्भ, ये आपका क्या होता है संदर्भ, याद रखना, ठीक है, याद भी रहेगा, छोटी सी चीज है यार, याद नहीं रहेगा तब क्या याद रहेगा। देखो अगला है, इसमें आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग में कुछ नहीं है, कुछ छोटी सी चीज लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत, सॉरी ब्लू से लिखना है, देखो तो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग होएगा है डैमेज, ठीक है, कौन दवाई वाई बतावा जाए। देखो श्लोक में भारतीय संस्कृत, भारतीय, ओ सॉरी भारतीयों की मूलभूत, की मूल भूत भावना, मूलभूत भावना पर प्रकाश डाला गया है। क्या डाला गया? प्रकाश डाला गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भावना है, मूल भावना है। अब व्याख्या में आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या है, तो व्याख्या आप पहले देखो, अनुवाद, ओके, अनुवाद समझ लो भैया, अनुवाद में कुछ है भी नहीं, ठीक है, अनुवाद में कुछ है भी नहीं। देखो अनुवाद में क्या करना है ना, देखो आपको लिखना है, जब, अभी मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, सुखी हूं, जब सुखी हूं जब सुखी हूं सब रोग रहित हूं, सब रोग रहित हूं, सब कल्याण, सब कल्याण को देखें, जैसे सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, दिख नहीं रहा है, कल्याण हो, मतलब सभी, जैसा मैं लिख रहा हूं अगर ऐसे भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, कोई दुखी ना हो, अर्थात अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो, क्या ना हो, दुख का भागी ना हो, ना बने ना हो। यह एक मूलभूत बात कहा गया है कि भारतीय संस्कृत पाठ है तो बहुत अच्छी बात कहाया गया है। इसमें क्या कहा गया है, क्या अच्छी बात कहा गया, आपको पता चल गया होगा कि सब सुखी हूं, जैसे जो भी व्यक्ति हैं पूरा पब्लिक इंडिया में या फिर कोई पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग आए हैं तो वो सुखी हूं, दुखी से ना हो, उसके पास खाना ना हो, पीना ना हो, पानी ना हो, एंड सड़क पर रहने हो, घर ना हो, तो ऐसे कौन सी जिंदगी है, सब जिंदगी बेकार है। अगर आपने जन्म लिया है, अगर आप भगवान ने जन्म दिया है तो सब सुखी हो, रोग रहित हो, रोग ना हो उनके अंदर, सबको कल्याण देखें, सब कल्याण को देखें, मतलब सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका कल्याण हो, जो चीज सोच रहा है उसको मिले, उसका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो
तो वो दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। तो ये है इसका अर्थ, काफी आसान होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें यही निकालने में पूरा प्राण निकल जाता है। भाई ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज ईजी लगेगा, चुटकियों में आपके होगा, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे, देखो आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, आपको चार नंबर मिल जाएगा, संस्कृत का है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु, ठीक है, सभी सुखी हों, सुखिना, सर्वे भवन्त निरामया, सभी का कल्याण हो, सर्वे भद्राण पश्यंत, यानी कि अर्थात कोई भी दुखी ना हो, तो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। तो यहाँ आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, एंड फिर आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, ऐसा ही मैं आपको और सारे कराऊंगा, तो ये आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ये आठवां टॉपिक है, आठवां टॉपिक, जैसे देखो आठवां टॉपिक में बात क्या किया गया है, आठवें टॉपिक में हम पदांश का व्याख्या करने वाले हैं। किस चीज का व्याख्या करने वाले हैं, पदांश का। बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं व्याख्या करूंगा आपके सामने। देखो यहाँ आपका पदांश है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है। अगर आप सही तरीके से व्याख्या करना नहीं जानते हो तो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप पदांश को ध्यान से पढ़ो, थोड़ी चीजें, मैं 30% नहीं 40% कहता हूँ कि पदांश जो होता है ना, उसके पढ़ने से, ध्यान से पढ़ने से अर्थ निकल आता है। ध्यान से पढ़ो, उसी पर फोकस होना चाहिए, तो आपका अर्थ थोड़ा थोड़ा निकल आएगा। लिखा हुआ है दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बंधे दुख धंधु, अधिक अंधेरों जग करत मिली मावस रविचंद्र, यानी कि अमावस की बात की गई है, एंड क्या कहा गया है, देश के राजा की बात कही गई है। प्रजा दुसह मतलब दो, दुराज प्रजान को, ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, मैं सीधा कह रहा हूं भाई, ठीक है। तो अब ऐसे में मैं इसको समझाने के लिए तो तैयार हूं भाई, लेकिन अब आपको समझा देता हूं। तो ऐसे में पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको समझा तो दूंगा, क्योंकि मेरे समझाने का काम है। तो ऐसे में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत मत लो, वरना फिर देखो इसको, देखो इसका मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, 6 मार्क मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना ही है, ये याद रखना, आपको संदर्भ सबसे पहले लिखना है, ओके। तो संदर्भ में क्या लिखोगे, याद है कुछ, हिंट उंट है, सॉरी संदर्भ, संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में आप लिखो भाई, संदर्भ, बस हो गया संदर्भ। देखो संदर्भ में लिखो प्रस्तुत, सही से बताऊंगा भाई, थोड़ा बड़ा लगेगा तो भाई दिक्कत मत लेना, क्योंकि मैं आपको सही से बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर बैठूं, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तभी अच्छा रहेगा। प्रस्तुत दोहा, ये क्या है, एक दोहा है, अगर आपसे दोहा का एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये बता सकते हो। प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित भक्ति नीति, ये भाई चैप्टर का नाम है, भक्ति नीति, ओके, चैप्टर का नाम तो समझ में आ गया होगा, भक्ति नीति शीर्षक से अवतरित है, क्या है, अवतरित है, किससे अवतरित है, भक्ति नीति शीर्षक से। यह दोहा रीतिकाल, रीतिकाल के कवि हैं, ये याद रखना, कौन, बिहारी जी, बिहारी और मतराम दोनों रीतिकाल के कवि हैं, बिहारी सॉरी रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के कवि कविवर विहारी लाल, इसे आप ब्लैक से लिख देना, सॉरी इसे आप ब्लैक से लिख देना, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये भाई रचयिता हैं,
ठीक है, तो आप कवि हैं तो लिख लेना। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई, मतराम सतसई, बिहारी सतसई, जैसे बिहारी सतसई और मतराम अलग लेखक हैं, ठीक है, वो भी रीति काल के हैं, बिहारी सतसई, ठीक है, से उद्गृत है। तो यहां से आपको संदर्भ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा संदर्भ में। ओके, प्रसंग देख लेते हैं इसी का। संदर्भ एक बार समझ जाओ कैसे लिखा जाता है, बस पाठ का नाम लेखक का नाम चेंज कर लो, आपका दो नंबर नहीं चार पांच नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी पद्य गद्य दोनों में पूछा जाता है, तो ऐसे में आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब इसमें मैं प्रसंग लिख दूं, प्रसंग क्या है, कुछ नहीं है, छोटा सा है। प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं, दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है, कष्टों का वर्णन किया गया है। ओके, ये आपका हो गया भैया, बहुत छोटा सा होता है, जो आपके पद्यांश में हो उसी का एक छोटा सा भाग लिख दिया करो, किसमें, प्रसंग में। तो संदर्भ प्रसंग हो गया, अब व्याख्या समझ लो, व्याख्या थोड़ा लंबा है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख कष्ट और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। अगर एक ही राजा हो, ये दो राजा हो एक देश में, तो उनके दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं, कैसे, क्योंकि वो भी अपना शासन चलाएंगे, वो भी अपना शासन चलाएंगे, और कहीं विपरीत शासन चलाने लगे तो उसी के बीच में कौन दबेगा, प्रजा, ठीक है। एंड दुहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी रहती है जिस प्रकार अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहरे और गंभीर अंधकार पहुंचा देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के दिन दोनों एक साथ निकल आते हैं और बहुत गहरे अंधेरा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए, ओके, हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो यहां से आपके आठ टॉपिक, कितना टॉपिक यहां समझा देते हैं, आठ टॉपिक इन वन वीडियो में क्लियर हो गया है। अब भाई अगर इस आपको मेहनत को आपको पसंद आया इतना मेहनत, तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग कमेंट करना कि इंग्लिश का भी ऐसे वीडियो चाहिए एंड मैथ का भी चाहिए सबका, तो मैं आपको सबका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।